वाह क्या चाटी बोल रही है यार, गजब। आइए एक गीत फिल्मी दुनिया वालों ने गाया, क्या हमारा सभी से अनुरोध है गीत को सुनिएगा, क्योंकि हमारे सचदेवा भैया कह रहे हैं हम जनता जनार्दन के लिए गाते हैं। भाई साहब जब बड़े नहीं या वॉल्यूम जब बड़े नहीं रहा तो कम मत करो, उतने पे ही रहने दो। बहुत बढ़िया, हम सोच रहे थे आपका साउंड का जोड़ लें, लग रहा है आपका भी कोई जोड़ नहीं। बढ़ा दो थोड़ा, थोड़ा सा और बढ़ा दो। अब मुंह उस तरफ क्यों कर रहे हो, इस तरफ देखो। हाँ बढ़ाओ थोड़ा, बढ़ाओ। बहुत बढ़िया, संजय भैया इनके फोटो ले लेना, काम आएंगे। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने, अब सही है। बहुत बढ़िया, बस इसी की कमी थी। चलो बेटे, लड़का मानती है बजाएगा। हेलो, हमारे सचदेवा भैया कह रहे थे कि दादा के पास आप नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे क्योंकि दादा दादा है, हम लोग बिल्कुल सादा हैं। आप दादा के पास नहीं जाएंगे बिल्कुल। और सचदेवा जी जब गुरु के पास ही नहीं हम जाएंगे तो हमको ज्ञान कहाँ से मिलेगा? आपने कहा कि आप दादा के पास नहीं जाएंगे, आप कह रहे दादा के पास नहीं जाएंगे बिल्कुल, और आप जानते हैं हमारे गुरुवर हैं। आपने कहा कि हम अगर आप कहते कि आज इस मंच पर आप उनका सहयोग नहीं लेंगे तो बात अलग थी बिल्कुल। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने, सामने मेरा प्रयास रहता कि गीत आए तो आप लोगों को भी आनंद आए और आप लोगों को भी आए। कहना क्या कि चोरी से चोरी से चोरी से चोरी से आना, चुपके से चुपके से चुपके से चुपके से जाना। ये बेटे पूरे तुम्हारे बेटे। चोरी से चोरी से चोरी से चोरी से जाना, चुपके से चुपके से चुपके से चुपके से आना। क्या बात, चोरी से चोरी से चोरी से चोरी से जाना, चुपके से चुपके से चुपके से चुपके से आना। YouTube वाले भी लीड लगा के सुन रहे हैं। तो दिल दे के खेल गए जान पे दीवाने, तो दिल दे के खेल गए जान पे दीवाने। तो हम भी ना मान सनम तुम भी ना माने, हम भी ना मान सनम तुम भी ना माने, हम भी ना मान सनम तुम भी ना माने। गाया क्या बेटे कि आंखों
सुनिए, एक पक्षी एक डाल पर बैठा है, बाज उस पर अपनी चोंच ताने घात लगाए हैं, और शिकारी ने देखा पक्षी बैठा है तो नीचे से अपना वान खींच लिया। पक्षी डाल पर बैठा है तो वो पक्षी सोच रहा है और लिखना पड़ा, ऊपर बाज है और नीचे शिकारी। बड़े भैया सुने सुने कि बिहग बेदना में विपस है बिचारा, तो बचने का कोई दिखता न चारा, बचने का चारा नहीं दिखाई पड़ा, तो याद किया भगवान को कि बचने का कोई दिखता न चारा, तो व्याकुल होकर के नाम प्रभु का उच्चारा। बड़े शब्दों पर देखिए सुने समझते रहिए कि माया मायापति की मायापति जाने, तो इधर से भी ताने और उधर से भी ताने, इधर से भी ताने और उधर से भी ताने, इधर से भी ताने और उधर से भी ताने। भगवान को याद किया, देखिए भगवान ने सर्प का भेष बनाया, शिकारी को काटा, शिकारी का वान लड़ खड़ा गया और जाकर वाज को लग गया, तो कहना पड़ा क्या पड़े कि चला एक तीर और बने दो निशाने, कि चला एक तीर और बने दो निशाने, तो इधर से युद्ध होने लगा, ये सुंदरी हमको चाहिए, हमको चाहिए, तो कहना पड़ा क्या बड़े कि दोनों चले हैं पल अपना आज माने, अंगद महाराज का जन्म हो गया।
बिल्कुल बिल्कुल तो एक से हुई तो ये सारा जग जाने तो इधर से भी ताने और इधर से भी ताने तो इधर से भी ताने और इधर से भी ताने इधर से भी ताने और उधर से भी ताने और उधर से भी ताने इधर से और इधर से दाएं बाएं आइए तुम नाम सुनेगा सुने सारी गोपिकाएं परेशान हैं भगवान कन्हैया की बांसुरी सुनाई दे रही है गोपी कह रही है इस दिशा में बांसुरी बज रही है कन्हैया की बिल्कुल कहा ना सखी इस दिशा में बज रही है क्या बात जब इतना सुना तो गोपिकाएं कहने लगी बड़े भैया सुने शब्दों पर गौर करें आपका कि बाजी कहे बंसी बंसी धर की बाजी वो कह रही मैं सही हूँ तो बाजी तो है किंतु कहाँ पर है बाजी तो बाजी कहे अब लग जाए बाजी मैं सत्य कह रही हूँ कि बाजी कहे अब लग जाए बाजी तो बजा बजा बंसी आए काना सताने अब इधर से भी हर तान का अर्थ अलग होगा क्या? और मुरली की होती है तान तो जब चारों तरफ सुनाई पड़ रही तो कहने पड़ेगा बहुवचन ताने जय हो इधर से भी ताने और इधर से भी ताने तोड़ता है बिल्कुल माता यशोदा ने कन्हैया से कहा कन्हैया कि बस इतनी सी बात मेरे मन में खटके खटकना यानी खलना बिल्कुल बस
वाह हम भी दीवाने तेरे तुम भी दीवाने ये हमारे बड़े भैया श्री राम किशोर पाठक जी शिक्षक हैं चंदपुरा आपके से एक सौ रुपए आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय बड़ी बहन जवाब सुनिएगा यदि आपने कहा एक तीर है दो है निशाने तीनों ताने और ये भी इधर से भी ताने उधर से भी ताने जब आप सुनेगा अगर आपको अच्छा लगे तो आशीर्वाद चाहूंगा अरे दो असुरों ने बढ़िया राजा जी और थोड़ा हिम्मत से दो असुर हैं जिनका नाम है सिंधु उपसिंधु एक नारी है जिसका नाम है तिलोत्तमा दो असुरों ने देखी सुंदर सी नारी अब दोनों असुर देख रहे हैं नारी को और दोनों ही मोहित हुए हैं अनारी पसीदों के चक्कर में देखो सुनारी और पसीदों के चक्कर में देखो सुनारी लेकिन कहना है बड़ी बहन अरे दो है दीवाने हसीना है एक पर दो है दीवाने एक इधर दीवाना एक इधर दीवाना तो ये भी ना माने और वो भी ना माने और जब लगाई तो राजा त्रिशंकुता अंबर सिरारा तभी इंद्र के मन चला है दुधारा इंद्र ने ऊपर से शक्ति लगा दी विश्वामित्र जी नीचे से शक्ति लगा रहे हैं अब तो त्रिशंकु राजा बीच में लटके हैं लटके हैं अरे एक है बिचारा पर दो है सयाने ऊपर से सयाना शक्ति लगाए नीचे शक्ति लगाए
कहना है ये भी ना माने और ये भी तो ये भी ना माने और वो भी ना माने, ये भी ना माने और वो भी ना माने।